स्टूडेंट्स बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन अमीजन स्पेक्ट्रम इससे पहले आप लोगों ने क्वान्टाइज रेडियाई और क्वान्टज्ड एनर्जी एनर्जीज ये टॉपिक्स पढ़े इसमें आपने देखा कि जो आ, इन इनमें आपने कैलकुलेशन की उससे आपको पता चला कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अराउंड अपने ख़ास ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है और उस ऑर्बिटल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो कि दूसरे ऑर्बिटल से बिल्कुल डिफरेंट होती है और यही बोहर के टॉपिक मॉडल जो आपने पढ़ा था बोहर के पाशुलेट थ्री में भी यही बात आपको बताई गई थी और इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की गई थी कि हर इलेक्ट्रॉन जो अप, अपने स्पेसिफिक ऑर्बिटल में होता है तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है उस स्पेसिफिक एनर्जी को जो कि ख़ास ऑर्बिटल में होती है उसको हम उस ई उसके स्पेसिफिक नेम से शो करते हैं फॉर एग्जांपल अगर एन ऑर्बिटल में एनर्जी जो है वो ई एन है और इसी तरह पी ऑर्बिटल में एनर्जी पी पी ई पी है तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ट्रांजिशन होती है ट्रांजिशन मीन के वो जंप करता है या मूव करता है हायर एनर्जी स्टेट ई एन से लोअर एनर्जी स्टेट ई पी में तो इस तरह से आपके पास ई पी की वैल्यू कम है और ई एन की वैल्यू ज़्यादा है तो इन दोनों की जो एनर्जीज का डिफरेंस होगा वो ई एन माइनस ई पी वो हायर एनर्जी स्टेट से चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आया है तो उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम में से अमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी और उसकी एनर्जी जो है वो एच एफ होगी तो इस तरह से एच एफ इज एच एफ विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द

और वो आपने कैलकुलेट की थी पिछले टॉपिक में थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है एनर्जी की अब्जॉर्बशन को माइनस ई नॉट ओवर एन होगी एन थॉर्बिटल ओवर एन स्क्वायर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई एन सिमिलरली ई पी विल इक्वल टू माइनस ई ओवर पी स्क्वायर हैंस हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू ई नॉट वन ओवर एन स्क्वेयर माइनस वन ओवर पी स्क्र ई नॉट आपने दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया अब चूंकि आपको पता है कि एफ़ इज इक्वल टू होता है सी बाय लैमडा अगर हम एफ़ की जगह सी बाई लैमडा पुट करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे एच एफ़ की बजाय एच सी बाई लेमडा बच जाता है एच सी बाई लेमडा वो आप लोग एच सी बाई लेमडा जो है उसको राइट right साइड पे इक्वेशन के लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड से एच सी बाई लेमडा था आपके पास आपने वन बाय लेमडा रहने दिया और एच सी को आप लोग राइट right साइड पे ले आए और राइट right साइड पे आके ये डिवाइड हो गया और इस इक्वेशन में आ, जो पीछे थी ऊपर वो थी एच एफ टू माइनस ई नॉट ओवर इन टू वन ओवर एन स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर लेकिन आपने नेगेटिव साइन जो है वो आप अंदर ले नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर किया तो वन ओवर पी स्केयर जो था वो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया और वन ओवर एन स्केयर जो था वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनी वो यूं बन गई कि वन ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी इन टू वन ओवर पी स्क्र माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ई नॉट ग्राउंड स्टेट जो है उसकी एनर्जी है ई नोट और एच सी ये तीनों कांस्टेंट हैं इन कांस्टेंट्स को एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल रखा गया है उस कांस्टेंट को रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हो इन सबकी कांस्टेंट्स की हम वैल्यू पुट करें तो वो होती है वन पॉइंट ज़ीरो नाइन सेवन फोर इंटू टेन सेवन पर मीटर अब ये वाला कांस्टेंट आर एच यानी रेडबर्ग कांस्टेंट हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो यू बन जाती है वन ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन ओवर पी स्क्र माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर यहाँ पे आर एच रेडबर्ग कॉन्सटेंट है लेमडा वेव लेंथ है उस फोटोन की जिसके साथ वो जो आ, अमिट होगा आ, एटम से और p लोअर एनर्जी लेवल है और n हायर एनर्जी लेवल है अब ये वाला जो आर एच आपने रेडबर्ग कांस्टेंट जो है कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू निकाली है तो इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू मैय की गई है रेडबर्ग कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटली वो इस वैल्यू के साथ मैच करती है मतलब ये कि ये वाली इक्वेशन जो है वो हर लिहाज से एप्लीकेबल है और हम इसके ज़रिए कोई भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं जो कि हमें एटॉमिक ट्रांज़िशन की इंफॉर्मेशन देगी ट्रांजिशन क्या है किसी भी जो के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लेवल्स यानी एनर्जी लेवल्स जो है ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करने की वजह से जो चेंजेस आएंगी एनर्जी चेंजेस उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ यानी उनका हम लैमडा कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ रेड बर्कोस्टन यानी जो जो इसमें चेंजेस आएंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके साथ आपके लिए एक ये है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन साइड पे दी हुई है कि फोटोन जो है जो मिट होता है एक्साइटेड आइटम से तो दैट मस्ट हैव एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स फॉर एक्साइटेशन ऑफ एन एटम बट द एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर दैन दैट द रिक्वायर्ड डिफरेंस कैन एक्साइट द गैस एटम्स तो अगर आपकी बिल्कुल इसके इक्वल एनर्जी होगी वो लाजमी है अगर उससे ग्रेटर आप यानी दोनों लेवल्स के डिफरेंस से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगी उससे आ, आ, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में गैस या कोई भी फॉर्म यहाँ गैस की बात की गई है तो कोई भी आइटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा मतलब अपने एनर्जी लेवल से जंप करके अपने से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा ये उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है ये था हमारा आज का टॉपिक इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेनी है तो ये जहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम दी गई हुई है दी हुई है हाइड्रोजन आइटम के लिए ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रेडबर्ग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे वो की इक्वेशन जो है वो अभी हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट की है और ये इक्वेशन जो है वो ट्वेंटी पॉइंट वन फर्स्ट टॉपिक में भी दी हुई है वन ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच वन ओवर पी स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर यहाँ पर पी जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है और एन जो है वो हायर एनर्जी लेवल है यहाँ ये यह देखें अगर जन हम इंस्टाग्राम को देखें यहाँ पर एन इज इक्ल टू वन है और एन इज ईक्ल टू टू एन इज़ ईक्ल टू थ्री एन इज ईक्ल टू फोर यानी ये जो है ये एनर्जी लेवल्स हैं और इन सब के लिए आप देखेंजी एन, जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए है थर्टीन पॉइंट सिक्स और फिर माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव वन एंड सोन ये हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी दी हुई है अब ये है कि अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक यानि वन ओवर लेमडा वाला फार्मूला लगाएं तो इसमें अगर आपका पी जो है वो फर्स्ट लेवल हो और एन जो है वो उससे हायर कोई भी लेवल हो सकता है यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यानी पी अगर आपका फर्स्ट लेवल है एंड आपका कोई भी लेवल हो तो इस वक्त जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके फर्स्ट लेवल पे आएंगे किसी भी हायर लेवल से टू लेवल से थ्री लेवल से फ़ोर से फाइव से या सिक्स अपर किसी भी लेवल से तो वो जब इस पे आएंगे तो जो इससे फोटोन जमिट होंगे उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लाइमन सीरीज़ स्पेक्ट्रम यानी सीरीज है ये सीरीज़ की लिमिट है ना ये बताई हुई उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको लाइम एन का नाम दिया है इसी तरह जब आपका पी टू होगा तो एन जो है वो उससे हायर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं यानी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वैल्यूज़ तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बालमर सीरीज बनेगा और इसी तरह अगर आपका जो है पी थ्री लेवल हो और एन उससे हायर कोई भी लेवल यानी फोर फाइव सिक्स सेवन हो तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांजिशंस जो होंगी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे टू तो फोर से थ्री पे तो इससे जो फोटोन अमिट होगा वो फोटोन्स जो अमिट होंगे तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे उस स्पेक्ट्रम को हम पाश्चन सीरीज का नाम देते हैं इस तरह से ये जो है रेडबर्ग इक्वेशन जो है वो इस एनर्जी लेवल डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हमें देती है